मैं अनीता अपने किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ दही बड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। दही बड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो दही ली है। ये जीरा और हींग को हल्का सा भूनकर उसको मैंने पीस लिया है। मैं काला नमक, लाल मिर्च और सादा नमक। सबसे पहले हम दही तैयार कर लेते हैं दही बड़े के लिए। दही को हम किसी बड़े बर्तन में ले लेंगे। हींग जीरा जो हमने पीस के रखा है वो पूरा डाल देंगे हम। एक काला नमक, लाल मिर्च, थोड़ा सा सादा नमक। इन चीज़ों को दही में अच्छे से मिला देंगे। अगर दही को कपड़ा करना चाहें तो आप इसमें हल्का सा पानी गर्म करके मिला दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दही तैयार कर ली है। अब हम दही बड़े के लिए बड़े तैयार करते हैं। आज मैं एक आपको सीक्रेट तरीका बताऊंगी जिससे आपके दही बड़े एकदम रूई की तरह नरम बनेंगे, एकदम मुँह में जाते ही घुल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आगे की रेसिपी। फ्रेंड्स, ये मैंने उड़द की दाल ली है, ये 250 ग्राम था। मैंने इसे कढ़ी पीस के रख लिया था जिससे एकदम सॉफ्ट बनेगा बड़ा। इसमें थोड़ा सा नमक मिला देते हैं। मैंने इसमें आधी छोटी चम्मच के करीब नमक मिलाया है। हम इसे अच्छे से मिलाकर इसे बड़े बना लेंगे। हम इसके बड़े बनाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने बड़ों को एकदम नरम बनाने के लिए यहाँ पानी गर्म कर रहे हैं जिससे आपके बड़े एकदम रूई की तरह नरम बन जाएंगे। यहाँ मैंने मीडियम आंच पे रख दिया है जिससे हम कपड़े बड़े बनाने के लिए हम थोड़ा सा पानी दे देंगे कटोरी में। आप ये थोड़ा सा पानी लगा लीजिए। जैसा सीधा है चाहे दे सकते हैं गोल, आपको जैसा पसंद है वहाँ बड़े बना लीजिए। फ्रेंड्स, हम इसे एकदम धीमी आंच पे छानेंगे ताकि अंदर तक बड़े हो जाए हमारे। डाल रही हूँ, मैं इसे गोल गोल भी बना कर डाल सकती हूँ।
पानी भी गर्म हो चुका है। निकाल देते हैं। फिर हम बड़ों को निकाल कर तुरंत ये पानी ऑफ हो जाएंगे। इसे हम 2-3 मिनट के लिए पानी में ही रहने देते हैं। देखिए फ्रेंड, जो मैंने बड़ों को पानी में डाला था इसमें से कुछ बड़े नीचे चले गए हैं, इसका मतलब ये एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। जो नीचे चले गए हैं उनको निकाल कर आप दही में डाल दीजिए। जब भी आपकी बड़े तले में बैठ जाएं, उसको समझ जाइए कि एकदम सॉफ्ट हो चुका है पानी में। देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। बनाइएगा और मुझे कमेंट करने के लिए। बाय।